शिवसेना अवजट वाहतुक सेना के महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती के माध्यम से सायन कोलीवाड़ा कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में शिवसेना अवजट वाहतुक सेना के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी कार्यकर्ताओं का इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने मार्गदर्शन किया और मुंबई में 17 दिसम्बर को होने वाले मोर्चे की तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। आइए जानते हैं इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने क्या कहा। पहली बात तो ये जो मोर्चा है महाआघाड़ी मोर्चा है, खाली शिवसेना का नहीं है। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ने मिलकर किया है। इसको जो मेन लीड है वो उद्धव जी कर रहे हैं, पर इसके साथ शरद पवार साहब का पूरा हाथ है, उनका आशीर्वाद है, वैसे सोनिया गांधी जी का साथ है। तीनों पार्टियाँ मिल के जो ये महाआघाड़ी सरकार थी, जिसको ये भगोड़ों ने, चोरों ने हटाया गेम करके, साजिश करके, वो खाली सरकार हटा सके, महाआघाड़ी नहीं हटा सके। ये महाआघाड़ी मोर्चा है 17 तारीख को। इसमें अभी ये यही बात है कि महाआघाड़ी मोर्चा है, इसका कोई जजमेंट लगा ही नहीं सकता, हिसाब देख ही नहीं सकते। इसमें जैसे सैलाब आता है ना, सैलाब नदियों के बाढ़ आती है, वैसे कार्यकर्ता आने वाले पूरे महाराष्ट्र से। शिवसेना महाआघाड़ी सरकार जो थी तभी सभी का सम्मान था, उनको पता था कि सम्मान क्या चीज़ है और बलिदान किस किस ने दिया है। जब से भाजपा आई है, जब से चोर सरकार बनी है केंद्र में, उसके बाद जो इन्होंने किया शिंदे ग्रुप ने यहाँ, उसके बाद जो चोर है वही माइक पे बोल रहे हैं। और जो ये गवर्नर है महाराष्ट्र का, जिसको उत्तराखंड से लगे यहाँ बिठा दिया है, उसको महाराष्ट्र की ABCD नहीं मालूम है। महाराष्ट्र की भूमि क्या और महाराष्ट्र का बलिदान क्या है और महाराष्ट्र के भूमि पुत्र क्या है, उत्तराखंड से तुम लाके यहाँ बिठा रहे हो, उसको क्या पता लगेगा ABCD क्या है। महाराष्ट्र में कितने जिले और महाराष्ट्र में कोने में क्या क्या गाँव है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, अगर यही गवर्नर हमको बता दे तो हम उसको गवर्नर माने। एक ऐसे आदमी को लाके बिठा दिए जिसको ABCD मालूम नहीं महाराष्ट्र की, वो आदमी से हम उम्मीद भी क्या करेंगे। पर जैसे कि उद्धव जी ने क्लियर किया है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता और जब तक उसको हटाते नहीं सरकार, वो तो हम लोग ये चुप होने वाले नहीं। और जो ये महाआघाड़ी मोर्चा है, ये एक विषय ये भी है उसका, जब तक उसको हटाते नहीं और महाराष्ट्र मुक्त नहीं करते चोरों से, तो ये आघाड़ी मोर्चा चलता रहेगा। वही हो रहा है, ये कुछ चमचे पाले हुए छोड़ देते हैं कि मामला जो है, जो मुद्दा वो भड़क जाए, मुद्दा अलग हो जाए। ये काम है इनका, इनके जितने प्रवक्ता है और जो मंत्री है उनका यही काम है। और जो शाही गिरी है वो कम गिरी है अभी, अगर वो, हम तो खुला ऐलान कर रहे हैं चंद्रकांत पाटिल को कि महाराष्ट्र मुंबई में घूम के दिखाए, हम दिखाते हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे क्या है और महाराष्ट्र क्या है और महाराष्ट्र की पब्लिक क्या है। ये जवाब देने के लिए महाराष्ट्र जनता भी रेडी है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कार्यकर्ता भी रेडी है। सही बात है, एक तरफ आप लोगों को बांटते जा रहे हो जात पात के नाम पे, और यहाँ पे तुम रोड उद्घाटन, ये उद्घाटन करते जा रहे हो, वो चीज़ जो चीज़ आप, रोड का उद्घाटन हुआ, कोई आश्रम का उद्घाटन हुआ, कोई स्कूल का उद्घाटन हुआ, किसके लिए हुआ, जनता के लिए ना। जब वो जनता ही आप बांट रहे हो, जनता को ही तकलीफ दे रहे हो, जनता को आपस में लड़ा रहे हो, तो उस चीज़ का फायदा क्या है। उद्धव जी ने सही बोला है, पहले कर्नाटक बॉर्डर का मुद्दा खत्म करो, खत्म करने की बात ही नहीं है। वो कर्नाटक के जो गाँव है वो महाराष्ट्र के गाँव है, कर्नाटक के नहीं है। जो हरकतें वो कर्नाटक वाले वहाँ कर रहे, कर्नाटक सरकार कर रही है, जो वहाँ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, ट्रक तोड़े जा रहे हैं, महाराष्ट्र नंबर की बसें रोकी जा रही है, इसका जवाब हम भी दे सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, पर हमारे जो नेता ना उद्धव जी, उन्होंने हमको शांत रखा हुआ है, ये तो हम दिखाते हैं हम क्या चीज़ है। उद्धव बाला साहब ठाकरे औजड़ वातुक सेना की जवाबदारी शिवसेना भवन से मिली है, उद्धव जी के आशीर्वाद से। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब का आदेश है, आज उसके लिए सभा थी, हर जिलाध्यक्ष यहाँ पहुँचा, पूरी महाराष्ट्र कमेटी यहाँ पहुँची है और हमने डिसाइड कर ली है। हमारे ऐसे 15 से 20 बसें जाएंगी, 40-50 गाड़ियाँ जाएंगी, कम से कम 1000 से 1500 लोग कार्यकर्ता, उसमें महाराष्ट्र कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी मुंबई कमेटी और हमारे सदस्य, ये सभी रहेंगे और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय बल सब खुद रहेंगे। 17 तारीख को शनिवार सुबह 10 बजे यहाँ से पूरा रवाना होगा हमारा काफिला, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे औजड़ वातुक सेना की पूरी टीम रहेगी। हम यहाँ से जाएंगे जीजाबाई मैदान, बाइकल्ला, वहाँ से निकलेगी यात्रा आज़ाद मैदान तक मोर्चा, जिसमें उद्धव जी खुद रहेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के नेता रहेंगे। तो ये जो सैलाब है, ये बड़ी यात्रा में, बड़े गिनती में, एक बोलते हैं ना, एक बड़े गुट में वहाँ दिखा जाएगा, लाखों के हिसाब से लोग रहेंगे और वहाँ पे उस दिन बताएंगे कि महाआघाड़ी क्या है और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कपले कौन कर रहा है और लोगों को लड़ा रहा कौन है, ये सब खुलासे उस दिन होने वाले हैं। जनता की आँख खोलने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों और मुंबई के लोगों को बताने के लिए ये महाआघाड़ी मोर्चा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।